सो हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जियो फोन में प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। आपका सारा डाउट्स आज क्लियर हो जाएगा। बहुत मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि आप जियो फोन में प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, पर अगर आपने इसको नहीं देखा तो इसलिए हम सोचे कि इसमें अपडेट वर्जन भी आपको बता देते हैं और जानकारी के साथ आपको एक नई वीडियो शूट करते हैं और फिर आपको हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे गाइस। तो सबसे पहले गाइस, वीडियो में अगर आप नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी और साथ ही पूरी जेन्युइन वीडियो आपको मिलेगी। सही जानकारी देने की हम आपको कोशिश करेंगे। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, मैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, वहाँ जाकर मैं हमारे गुरुजी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं गुरुजी टेक्नोलॉजी। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपके पास जियो यूज़र हैं, अगर आपके पास जियो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत दिन से अगर आप जियो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने आपको तो पता नहीं होगा कि उसमें प्ले स्टोर है या नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही स्टोर दिया जाता है जिसका नाम है जियो स्टोर, क्योंकि जियो स्टोर आपके फ़ोन में खुद ऑटोमेटिक, मतलब जब आप फ़ोन लेते हैं तभी से आपको इंस्टॉल मिलता है। पर अगर आपने बहुत वीडियो देखी होगी जिसमें लोग बता रहे थे कि आप अपने जियो फोन में प्ले स्टोर कैसे डाउनलोड करें और उसको ओमनी एचडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे कोड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में हम आपको बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम आपको बताएंगे कम से कम टाइम में आपको पूरी जेन्युइन जानकारी और पूरी हम आपको देने की कोशिश करेंगे गाइस। तो सबसे पहले वीडियो में बने रहिए और लाइक चैनल में वीडियो में कर दीजिएगा गाइस। तो गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि कोड के थ्रू और या तो किसी कंप्यूटर के थ्रू डाल सकते हैं या तो उसको क्रोम से या ब्राउजर से या गूगल से एनीवाइज किसी से एक्सेट्रा कोई भी साइट से डाउनलोड कर सकते गाइस। तो जी हाँ, इसका जवाब है कि नहीं, आप इसको कोई से भी आप गूगल का प्ले स्टोर आप जियो फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। जी हाँ गाइस, सबसे क्लियर पहली ऐसी बात है कि आप गूगल का प्ले स्टोर आप जियो फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अभी ये क्यों नहीं, इसमें अपन लोग जियो फोन में क्यों नहीं आप गूगल का प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते गाइस, इसका रीज़न क्या है गाइस? तो गाइस, इसका रीज़न ये है कि आपके जियो फोन में पहले से ही जियो स्टोर दिया हुआ है, जो कि जियो फोन के रोम और स्टोरेज के हिसाब से, रैम और स्टोरेज के हिसाब से वो जियो स्टोर दिया गया है, ताकि जितना सपोर्ट ऐप जो है, जितने उस फ़ोन में सपोर्ट कर सकते उसी ऐप को अवेलेबल किया गया कि आप उस ऐप को ही डाउनलोड कर सकते जियो स्टोर से। और साथ ही हम आपको बता देते हैं कि प्ले स्टोर इसलिए नहीं उसमें इंस्टॉल है क्योंकि इसमें बहुत हैवी ऐप्स रहते हैं, 2-2 GB के पबजी और वगैरह वगैरह, फ्री फायर, ऐसे बहुत ढेर सारे गेम या बहुत ढेर सारी साइट है जो कि जियो फोन में सपोर्ट नहीं करती है। पर अगर उसमें लोग जियो फोन में अगर प्ले स्टोर दे देगा तो आपका फ़ोन अगर दे भी देता तो अगर आप पहली बात अगर इतनी है बड़े बड़े जो हैवी MB की जो आपके ऐप है या MB के हैं तो उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेंगे तो फ़ोन आपका हैंग करने लगेगा, सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए जियो फोन ने, जियो कंपनी जो है, उन्होंने तय किया था कि इस जियो फोन में खुद का जो ऐप है जियो प्ले स्टोर, जिसमें से उतने ऐप उसमें दिए जाएंगे जितने कि इस फ़ोन में सपोर्टेड हैं, जिसमें से आपका जियो फोन में कोई भी मतलब हैंग की दिक्कत नहीं हो और कोई भी हैकिंग हैंग या ऐसे जिसमें आपका फ़ोन स्मार्टफोन में बफरिंग हो या तो रुक रुक के चले, तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जितने ऐप रहेगा आपने स्मूथली चला सकते हैं, स्मूथली डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं जो बहुत दिन कहते हैं कि प्ले स्टोर में हम ओमनी एचडी से, जो लोग बोलते हैं कि ओमनी एचडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जी अगर ओमनी एचडी से भी आप नहीं कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप कैसे वैसे भी अगर आप कर देते हो ओमनी एचडी से, तो आपका फ़ोन भी ख़राब होने का दिक्कत रहेगा, उसमें आपका फ़ोन हैंग कर सकता है, आपका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर आप जैसे एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपके पर्स में 100 रुपये की जगह है और अगर आप उसमें 1000 रुपये डालते हैं या वो डालते हैं तो उसका सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि आपको बाल्टी में दिखाते हैं, मतलब आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान के लिए कि बाल्टी है जिसमें से आप सिर्फ 1 लीटर पानी आ सकता है और अगर आप उसमें 2 लीटर पानी डालेंगे तो उसमें नहीं आएगा, सारा पानी बह जाएगा। उसी तरह से जियो फोन में जितना स्टोरेज उसके थ्रू उसके स्टोर जो है जियो स्टोर में उतने ही ऐप उसमें आ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी हैवी ऐप डाउनलोड करते हैं, स्टोर करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं, तो वो नहीं होगा। इसलिए आप उसे ओमनी एचडी के थ्रू भी डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही किसी पीसी से अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो उससे भी आप नहीं कर सकते। वैसे अगर आप ज़बरदस्ती अगर कोई डालता है वैसे करते हैं तो हमारे जैसे राय माने तो आप मानिए कि आप जो जियो स्टोर है उसी से आप ऐप डाउनलोड करें, अलग से अगर आप
आपको कोई ऐसे बताता तो आप अपने फ़ोन को मत करिएगा, नहीं तो आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है। तो गाइज आज की ये वीडियो हमने बनाना ज़रूरी समझा था ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि जियो फ़ोन में प्ले स्टोर डाउनलोड होता है या नहीं। तो गाइज वीडियो में बने रहिएगा, हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे आपके जेन्युइन जानकारी के लिए, जाके आपको नई नई जानकारी आपके बारे में रियल जानकारी पता चलते रहे। साथ ही अगर आप यूट्यूब से घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं गाइस, तो इसकी भी वीडियो हम बना रहेंगे जिसमें आप घर बैठे 30,000 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट है। जी हाँ गाइस, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, इसके साथ हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे कि आप यूट्यूबर घर बैठे कैसे बने, घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं बिना कैमरा बिना माइक ज्यादा कुछ सामान के। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।